Hello, bright future of my country. Welcome all of you again. Important reaction and conversion के episode number 4 में फिर से आपका स्वागत है. और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बहुत ही important reaction जिसका नाम है बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट. आपको बता दूं, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. बेंजिल एक कंपाउंड का नाम है और बेंजिलिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये बेंजिलिक एसिड भी एक कंपाउंड का नाम है. तो बेंजिल नामक कंपाउंड बेंजिलिक एसिड में रीअरेंज होता है. ये कैसे होता है ये हम यहाँ पर सीखेंगे. ओके, और ये रिएक्शन हमारे एग्जाम में पूछा जाता. इससे पहले कि हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करें, एपिसोड 1, 2, 3 के रिएक्शंस एक बार हम याद करें. देखिए हमें याद है कि नहीं. एपिसोड 1 में हमने पढ़ा था एल्डोल रिएक्शंस. इसमें क्या आपने सीखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन के मोहल्ले में अगर डाइल्यूट बेस आता है तो वो एल्डोल रिएक्शन शो करता है. फिर उसके जिसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन. फिर उसके अगले दिन आपने एपिसोड 2 में आपने सीखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन के मोहल्ले में अगर परॉक्सी एसिड या H2 हाइड्रोजन परॉक्साइड आता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर में. इसे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन कहते हैं. ओके, कुछ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपने सीखा जो इसमें. अगर दो तरह के कीटोन में दोनों साइड के ग्रुप अलग अलग होंगे तो किस ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑर्डर मैंने आपको सिखा रखा. उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था एपिसोड नंबर 3 में, उसमें मैंने आपको सिखाया था बेकमैन रिएजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट रिएजमेंट है कि ऑक्साइन को एमाइड में और हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. और ऑक्साइन कार्बोनिल कंपाउंड से बनता है. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. और आज हम पढ़ेंगे बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट. बेंजिल कैसे बेंजिलिक एसिड में रीअरेंज होता है तो मैं आपको बता दूं. चलिए, ये है बेंजिल. यही है वो बेंजिल. इसका फ्यूचर बेंजिलिक एसिड होने वाला है. इसके कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इससे ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा. कार्बोनिल कार्बन पर याद रखिएगा इसके एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल भी खाली होगा. यस. अब इसके मोहल्ले में ये बेंजिलिक एसिड में बदल जाता है ऐसे. ये है बेंजिलिक एसिड. इसको बेंजिलिक एसिड कहते हैं. ये इसमें बदल जाता है अगर हम इसको ट्रीट कर दें NaOH के साथ और उसके बाद हम इसमें एसिड मिला दें लास्ट में. भाई मोहल्ले में बेस है, एसिड बनेगा तो एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं. तो बेस को भी शांत करने के लिए और अगर इसमें और भी एबनॉर्मलिटी ना हो हम लास्ट में एसिड मिला दें. तो ये बेंजिल इस बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. बहुत आसान सा अरेंजमेंट है, बहुत छोटा अरेंजमेंट है, बहुत कम समय में पूरा हो जाता है, पर हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है. जी, इसमें होता क्या मैं आपको बता दूं. इसका मैकेनिज्म, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं. मैकेनिज्म कौन सा कलर, चलो व्हाइट लेता हूं. ब्लैक एंड व्हाइट आपको बहुत पसंद है. अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया NaOH के साथ, देखो NaOH बाई नेचर बेस भी होता है, बाई नेचर न्यूक्लियोफाइल भी होता है. कभी भी याद रखिएगा किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है. और इनके बीच अंतर आपको पता है. न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए कि जहां पर पॉजिटिव सेंटर हो वहां पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें. और बेस जो होता है वो H+ चुराता है, ये H+ चोर होता है. तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है तो ये अपना बेसिक काम नहीं कर पाएगा. ये अपना न्यूक्लियोफिलिक काम करेगा और अपने न्यूक्लियोफिलिक काम में ये जो दो कार्बोनिल कार्बन है किसी एक कार्बोनिल कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा. अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो, अगर दोनों सेम है तो किसी एक कार्बोनिल कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा. यहीं पर एक और बात याद रखना, अगर दोनों तरफ के ग्रुप अलग अलग लगे हैं तो दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग टाइप की होगी. तो ये OH- उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, प्लस चार्ज ज्यादा. खैर वो तो आप कर लेंगे, पहले ये सीख ले, आप वो भी कर लेंगे. पर उसे प्रोडक्ट में फर्क नहीं आएगा.
जी, यहां पर ये OH माइनस यहां अटैक करेगा, और इसके अटैक करने से अब मैं इसको पीएच लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा पीएच सी ओ, और यहां बन जाएगा सी जी, यहां पर पीएच, और ये आ जाएगा ओ माइनस एन ए, और यहां लग जाएगा OH, मैंने साइड से जोड़ दिया। हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, यहां पीएच यहां OH लिख सकते थे, ये बन जाएगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, अब इस कार्बन पर आया हुआ ये जो OH है या तो रिटर्न चला जाएगा, वापस चला जाएगा, यहां प्लस और ये माइनस होकर ये बॉन्ड बना लेगा, या इस कार्बन पर ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर मूव करेगी, ये पीएच बॉन्ड समेत बोरिया बिस्तर समेत यहां से निकलेगा पीएच माइनस के रूप में, और अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर के यहां अटैक कर जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज। यही देखो रिएजमेंट हो रहा है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर पीएच मूव कर रहा है ये ऐसे, और जैसे ये मूव करेगा ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। भाई इसके मूव करने से, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देने से, या इसके यहां आने से, या नेगेटिव चार्ज आएगा उससे रिपेल्ड होकर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीएच है ना, ये यहां से यहां मूव कर जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये मूव कैसे करता है, तो आपने जो रिएजमेंट सीखा है कार्बोकेटाइन का, कि ये यहां से बॉन्ड की ब्रेकिंग और इस पीएच का इस कार्बन से जोड़ना, वो सब साथ साथ होता है, बाई फॉर्मेशन ऑफ थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये साथ साथ होता है बिल्कुल ऐसे। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं पीएच, हालांकि जरूरत नहीं इसके बनाने की, ये थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहां पर मूव कर जाता है, इतना ही आप जानो और ये बन जाएगा। देखो हमें उतना ही जानना है जितने से हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाए, अदरवाइज इसमें बताने के लिए बहुत सारी बातें, जो एल्डोल रिएक्शंस वगैरह हैं उसमें भी बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, कि उसकी मॉलिकुलरिटी क्या होती है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन मैं उतना ही बताऊंगा जिससे कि आपके क्वेश्चंस 100% क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। जी अनलिमिटेड रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हैं, पर हमें जानना उतने ही है जितने से हमारा सिलेक्शन हो। अनलिमिटेड दवाइयाँ होती हैं, पर हमें उसी मेडिसिन को खाना है जो हमारी बीमारी को ठीक से क्योर कर सके, ना ज्यादा ना कम। जी तो यहां पर ये पीएच का माइग्रेशन यहां पे थ्री मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है, ये बॉन्ड का टूटना और इसके साथ जुड़ना, वो सब साथ साथ होता है बिल्कुल। अब ये यहां जुड़ गया, यहां आ गया, अच्छा ओ पर माइनस आ जाएगा यहां पर, और इस कार्बन पर प्लस आएगा, इसके प्लस आने से ये ओ माइनस आपस में बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये ओ ऊपर था पर मैंने ऐसे लिख दिया, ये माइनस के साथ ये एन ए जाके जुड़ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि एक ओ माइनस जो बना एल्कोक्साइड, वो बेस है, ये बेस का काम करेगा, और यह साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया जो आसानी से हाइड्रोजन निकाल सकता, इट कैन रिलीज हाइड्रोजन इजिली, इससे आसानी से हाइड्रोजन निकल सकता है और ये हाइड्रोजन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता। तो यहां से ये ओ एच जी यहां से निकलेगा एच प्लस, और वही H+ यहां से निकलेगा, एक H+ निकलेगा और वो H+ वापस इससे जुड़ जाएगा O से, और बन जाएगा PHCOH, PH और COO-, बन गया ये, हाँ बन गया सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड, कैल्शियम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजिलिक एसिड। अब आप चाहते हैं कि वापस बेंजिलिक एसिड आपको एग्जैक्टली प्राप्त हो जाए, तो इस Na को हटाने के लिए यहां पर H लाने के लिए यहां ढेर सारे एसिड ट्रीट कर दीजिए, लास्ट में यहां पर H+ मिला दीजिए, वो H+ इस O से जुड़ के बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो Na के साथ मिलके जो नेगेटिव पार्ट होगा वो बन जाएगा। अगर आपने H2SO4 लिया तो बन जाएगा यहां पर NaHSO4, ये बना बेंजिलिक एसिड। इसमें इस रिएक्शन का छोटा मैकेनिज्म क्या, ट्रिक क्या है, छोटा मैकेनिज्म क्या, यू समझो NaOH एक कार्बन पर, मैं इसका छोटा मैकेनिज्म बताता हूं, ये मैंने यहां से कॉपी किया, या पेस्ट,
इसका छोटा मैकेनिज्म ये है, CM या SY तरीका टू मेक प्रोडक्ट। आप दोनों कार्बोनाइल कार्बन में से किसी एक पर अगर दोनों सेम है तो ये NaOH का OH अटैक करेगा, और जिस कार्बोनाइल कार्बन पर ये OH अटैक करेगा उस कार्बोनाइल का जो फिनाइल ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप होगा वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। ये pH यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर OH आ गया और ये बॉन्ड टूट के चला जाएगा O पर। पहले फर्स्ट काम होगा NaOH का यहां पर अटैक, ये होगा फर्स्ट काम। सेकेंड काम होगा pH का शिफ्टिंग, सेकेंड काम में ये O- के पर बॉन्ड का शिफ्टिंग हो गया, बन गया दिस वन प्रोडक्ट बेंजीलिक एसिड। अच्छा, अगर दोनों दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, ठीक है, दोनों कार्बन अलग अलग टाइप के हैं, जैसे एक साइड में हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, ठीक, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे थोड़ा मिटा दू, इसी में सिखा दू, आपने नोट कर लिया होगा। जी मैं चेंज कर रहा हूं, एक तरफ हमने इसे अनसिमेट्रिकल बेंजाइल बना रहा हूं, इधर हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सपोज NO2। अब NO2 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये माइनस एम माइनस आई ग्रुप होता है, ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, तो जो NaOH की OH का अटैक होगा ना, ये इस OH का अटैक यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा इन कंपेयर टू यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर इस कार्बन से ये पैरा नाइट्रो बेंजीन ये ग्रुप पैरा नाइट्रो फिनाइल ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां इलेक्ट्रॉन घटेगा, फिर ये इस कार्बन से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी यहां पर ज्यादा है, तो NaOH का अटैक यहां होगा और ये पैरा नाइट्रो फिनाइल ग्रुप यहां से यहां पर इस बेंजीन पर शिफ्ट हो जाएगा, पहले ये अटैक करेगा और फिर ये शिफ्ट होगा। लेकिन यहां पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अंतर नहीं आएगा, देखो OH आ जाएगा इस साइड, दोनों बेंजीन एक ही कार्बन पे है, नाइट्रो वाला बेंजीन भी और सिंपल वाला बेंजीन भी, हो गया दोनों एक ही कार्बन पर, तो दोनों में यहां पर आप कैसे लिख सकते हैं, यहां पर नाइट्रो सेम चीज बना, तो इतना ही एक बात को आपको याद रखना है। ओके, अब इस पे हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं और प्रीवियस जो एपिसोड के थे वो भी क्वेश्चंस करते हैं। लेक्चर बहुत लेंदी नहीं बना सकता क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और आपकी प्रैक्टिस बहुत एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, जिससे 100% आप अचीव कर सके, क्योंकि बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपके कोर्सेज जो हमने लिए हैं, चाहे वो RTP लिए हैं, चाहे वो फाइनल टेस्ट रिविजन लिया है, चाहे वो टाइम टेबल कोर्स लिया है, जिसकी वजह से हम 100 जो कुछ बच्चों ने तो मैसेज किया है, एक मयंक ने मैसेज किया है कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं, 243 नंबर आ रहे हैं, और अच्छा लगता है जब आप मैसेज करते हैं, तो प्लीज आप एक बार जरूर रिप्लाई करें और बताएं किस बच्चे ने मैसेज किया है। हाँ, मयंक ने मैसेज किया है और मयंक के जो मार्क्स आ रहे हैं अभी वो 238 मार्क्स आ रहे हैं, आई एम स्कोरिंग 238 मार्क्स इन मार्च अटेम्प्ट। अच्छा, और दूसरा इन्होंने लगभग मार्च वाले अटेम्प्ट में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100% क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, और इवन एक छोटा सा प्रोग्राम जो था इनके पास उस RTP के प्रोग्राम के थ्रू इन्होंने 100% अचीव किया, रिविजन थ्रू प्रॉब्लम। जी RTP एंड टाइम सेवर। ओके, तो चलिए हम आपको अब आगे आपको बताते क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। वही बेंजील है, NaOH और H+ से रिएक्शन करा रहे हैं, तो खैर सेम रिएक्शन लिखा हुआ है यहां पर, कैपिटल H लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट सेम है, ये OH- एक कार्बन पर अटैक करेगा और ये एक pH जो होगा वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसके आप चाहें तो यहां पर इस बेंजीन की जगह पर अलग अलग ग्रुप लिख सकते हैं, बेंजीन की जगह पर कोई और एरोमेटिक रिंग लिख सकते हैं आप, यहां पर ये बन जाएगा PHCO- सॉरी फाइनल लिखते हैं, ये हो जाएगा OH और यहां पर PHCOOH। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन की बात करो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ कंपाउंड ए, ए का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा ये आपको बताना, बताइए। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि अभी तक जो आपने देखा था वो ये केस था, यहां पर पी एच सी ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, दो बेंजीन अलग अलग हैं आपस में अटैच नहीं, इसमें क्या है वो दो बेंजीन आपस में जुड़ी हुई, इसमें आप करते क्या थे, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें आप करते क्या थे, NaOH से जब अटैक होता था तो आप NaOH को यहां अटैक कराते थे और ये बेंजीन बॉन्ड समेत यहां शिफ्ट हो जाता था। यहां पर भी वही होगा, बस फर्क क्या है कि ये जो पीएच है, ये जो बेंजीन रिंग है, ये पीछे से अटैच रहेगा, यहां से अटैच रहेगा, ऑलरेडी अटैच रहेगा। तो होगा क्या, ये NaOH एक कार्बन पे यहां अटैक करेगा, अब मैं दिखा रहा हूं आपको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कंपाउंड ए, यहां NaOH के साथ में एक एच प्लस और हीट भी दिया हुआ है, तो जब जैसे इस पर अटैक करेगा यह बन जाएगा दिस। नाउ व्हाट, अब क्या करेंगे आप, ये बेंजीन, ये वाला बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये बेंजीन, ये वाला बॉन्ड यहां से, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये फिर इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, रिअरेंजमेंट होगा। और ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर बन जाएगा ये प्रोडक्ट, ये दिस वन सी, यहां पर आ जाएगा ओ माइनस एन ए प्लस और यहां आ गया जी, इसी के साथ जुड़ेगा ये रिंग, जुड़ गई और यहां जुड़ा हुआ, यहां पर इस कार्बन पर एक है ओ एच और दूसरा है सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बना, ढंग से लिख लो इसको ठीक से, ये है आपका, पहले ये बनेगा, फिर ये हाइड्रोजन यहां से चोरी होकर यहां चला जाएगा, ऐसे ये हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये ओ माइनस यहां जाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन बिल्कुल, ये O माइनस एन, ये होगा NaOH की वजह से गाड़ी यहां पहुंचे, फिर जब आप इसमें H प्लस मिलाएंगे तो ये आ जाए यहां पर H प्लस, ये OH, ओके। अच्छा, लास्ट में हीट भी किया, हीट तो याद करिए आप, ये एक प्रकार से बेंजिलिक एसिड इज ए काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, इट इज ए काइंड ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा कार्बन है जिसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता, आपको बताया गया है कि कभी भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करें तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। यह आपने पढ़ा है, व्हेन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज हीटेड देन डाइमर फॉर्म, है ना, और उसमें अगर कुल 100 मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के हैं तो 50 मॉलिक्यूल डाइमर के बनते हैं, कैसे, ये यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, दूसरी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के सामने अब इन दोनों को हीट करेंगे, अगर आप तो होगा क्या, हमें पता है कि एसिड को क्या पसंद है, बेस, और बेस को क्या पसंद है, एसिड,
पता ही है, यहाँ पर बेसिक काम करेगा थोड़ा सा एल्कोहल और एसिडिक काम करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले मॉलिक्यूल का एल्कोहल दूसरे मॉलिक्यूल की एसिड से रिएक्शन करेगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल का एल्कोहल पहले मॉलिक्यूल की एसिड से रिएक्शन करेगा और इनके बीच में वही एसएनआई मैकेनिज्म द्वारा ये OH यहाँ पर अटैक करेगा और ये OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और इस OH के अटैक करने से ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा। आप जानते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन होता है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है। तो बस वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेंगे और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहां पर बन जाएगा डाइमर RCHOCOCH और यहां पर COOCHR, ये डाइमर बनता है, ये हमें पता है और वही वाला इन नॉलेज यहां पर यूज होगा। लेकिन यहां पर जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है उसमें R के स्थान पे ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप आएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप आएगा। अब मैं इसको सिखाता हूं उसी वाले फंडे का जो आपने सीखा है, याद रखना व्हेन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इज हीटेड देन डाइमर फॉर्म, यदि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं तो वाटर निकलता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये आप जानते हो और आगे मैं बताऊंगा भी मैकेनिज्म। अब मैं आपको सिखा दूं ये कैसे, अब आगे क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है इसलिए मैंने क्वेश्चन की संख्या कम लिया, इसको थोड़ा छोटा कर दूं जी। इसी के सामने इसी के जैसे हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे, इसके सामने इसी के जैसे इसका दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे OH C OH C डबल बॉन्ड O इसका उल्टा मिरर, बस OH के सामने कार्बोक्सिलिक कार्बो, ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे हीट करने पर और ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा, ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा और ये जो डाइमर बनेगा वो ये बनेगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये। अब बेंजीन में हम डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, थोड़े कठिन लेवल के सवाल हो गए, ये बनेगा ये दिस इज कंपाउंड ए, ए कंपाउंड ए, यहां थोड़ा टफ था, यहां मामला थोड़ा क्या था टफ था भाई, रैंक भी तो देनी है आपको, सिर्फ सिलेक्शन से ही तो काम चलना नहीं है, तो ये रैंक वाले क्वेश्चंस हैं जो जिससे हमें रैंक डिसाइड होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस हैं है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। अभी मैंने मैंग ने मैसेज किया है कि उसके 238 नंबर आ रहे हैं, किसी और बच्चे ने मैसेज किया है कि उसके 250 के आसपास नंबर, मतलब 248, हालांकि एग्जैक्ट अभी NTA के स्कोर के अकॉर्डिंग वो अपना नंबर कैलकुलेट करके बता रहे हैं, किसी के 200 आ रहे हैं, किसी के 180 आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो इसमें रैंक भी तो देने वाले हैं आप लोग, तो हमें उसके हिसाब से भी तो पढ़ाना पड़ेगा ठीक। ये अब इसमें इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फार्मूला होता है रिंग प्लस पाई बॉन्ड, रिंग और पाई बॉन्ड को जोड़ दो, और भी तरीके होते हैं उसमें ये शॉर्टकट तरीका है, तो इसमें कितनी साइकल्स हैं कितने रिंग्स हैं वो आपको काउंट करना है। तो देखो यहां पर एक रिंग, दो तीन चार पांच छ सात, तो रिंग है, पाई बॉन्ड कितने हैं तीन इसमें छह, एक सात, अरे मैं थोड़ा स्ट्रक्चर गलत लिख दिया हूं, स्ट्रक्चर गलत में मतलब ये दोनों सीओ एक ही साइड नहीं होंगे, ये दोनों सीओ ऐसे होंगे,
ऐसे जी ये बना दिस इज हाँ, तो इसमें सात रिंग है और पाई बॉन्ड कितने बने हैं, इसके तीन छह, एक सात, एक आठ और एट प्लस थ्री इलेवन, प्लस थ्री फोर्टीन है ना, प्लस फोर्टीन ट्वेंटी वन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 21 कंफर्म कर लो। एक दो तीन चार पांच छ सात तो रिंग है पाई बॉन्ड, तीन इसके दस, तीन इसके थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन, प्लस थ्री ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये थी आज की क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है, अगर सिर्फ ये टफ वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये हर बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये अगर आपको बनाना आता है तो बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट आपका क्या है यहां पर ओके। अब हम बात करते हैं आगे, ये क्वेश्चन है लास्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर थ्री का ये क्वेश्चन है जो मैंने वहां पर आपको पूछा था। मैंने बोला था कि आप अगले एपिसोड, मैंने बोला था कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो इनमें से क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का, एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन में पढ़ा है कि अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, इन माइल्ड एसिडिक मीडियम और हीट करते हैं, तो वाटर एच प्लस हल्के एच प्लस की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये एच टू और ये ओ बाहर निकल जाता है और नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो पहला रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि ये एच टू और ये ओ बाहर निकल जाएंगे एच टू ओ के रूप में, फर्स्ट स्टेप में, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपने लिया एच प्लस हीट और ये बन जाएगा आपका पीएच, लो N। अब N पर एक लोन पेयर भी है और एक OH भी है, तो अब एक समस्या है क्योंकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी sp2 है, तो याद रखना ये OH और लोन पेयर में से OH अगर लोन पेयर ऊपर होगा तो OH नीचे होगा, बिल्कुल ऐसे ये ऐसे होने के चांसेस, ये लोन पेयर ऊपर जा सकता है तो OH को नीचे आना पड़ेगा, या इसके ये बनने के चांसेस पीएच एन सी एस थ्री डबल बॉन्ड लोन पर नीचे आ गया और ये OH ऊपर चला गया, ये दो आइसोमर्स, ये दोनों बनेंगे एक आइसोमर है ना, ये दो आइसोमर्स बनेंगे जिसे आप बोलते हैं ना, यहां पर OH और PH एक क्रॉस है और ठीक है यहां पर PH सी एस थ्री और OH एक क्रॉस है, तो पक्का ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो इस रिएक्शन में दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के चांसेस है अर्थात दो ऑक्साइम बनने के चांसेस हैं, ये भी कीटोक्साइम है ये भी कीटोक्साइम है, फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम ये भी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम, पर नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यहां पर पीएच इस ओएच की एंटी है तो लिखेंगे एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइम और इसमें लिखेंगे एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम, ये इनके नाम, ये नाम लिखने का तरीका जो कि आपने उसमें पढ़ रखा है, इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बना के इनका नाम लिख देते, व्हाट इज नेम ऑफ दिस एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन, इसको सिन भी लिख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो इसका एक और नाम लिख सकते हैं सिन, लेकिन सिन लिखेंगे तो जो एल्काइल ग्रुप सिन साइड है OH के वो नाम पहले लिखना पड़ेगा, सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन, और इसका नाम क्या लिखेंगे, इसके नाम में ठीक उल्टा एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन या सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन, एंटी लिखेंगे तो मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन, सिन लिखेंगे तो सिन फिनाइल मिथाइल
कीटोक्साइन, दोनों के नाम अलग, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, है ना। नेक्स्ट, अब ये दोनों की मात्रा बराबर बराबर बनेगी। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेंगे तो इसके 50 मॉलिक्यूल बनेंगे और 50% मॉलिक्यूल ये बनेगी, दोनों बनेंगे। अब दो दो ऑक्साइन बना, अब इसमें आपने भेजा PCl5, तो PCl5 इससे भी रिएक्शन कर सकता है और PCl5 इससे भी रिएक्शन कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर PCl5 ने इससे रिएक्शन किया, यहां पर होगा बेकमैन रीअरेंजमेंट, BMR, ये ऑक्साइन फॉर्मेशन है, ये है बेकमैन रीअरेंजमेंट, इस बेकमैन रीअरेंजमेंट। फिर क्या होगा बताओ बच्चों, बेकमैन रीअरेंजमेंट बता तो आप सकते नहीं, आप हमसे इतना दूर हैं, नाराज हैं कि मैं क्या करूं। और थैंक यू आपके प्यार की वजह से, आपके मतलब इतने सपोर्ट की वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों जो रैंक देने वाले बच्चे दूर दराज बैठे हैं, जो हमसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो भी रैंक दे सकें। और मेरी उम्मीद है कि आप 1 digit रैंक दें कम से कम। चलिए हम इसकी बात करते हैं PCl5 से। PCl5 की वजह से, अब देखो जो OH की एंटी होता है वो नाइट्रोजन पर शिफ्ट होता है, तो इस केस में ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और OH यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस केस में हमारा बनेगा बेटा यहाँ पर ये CH3CO, यहां पर NH, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट बना दें तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, हालांकि आप बोर भी होते हैं, बोलते हैं कि सर आता है तो मत बनाओ, पर उन बच्चों के लिए मैं डायरेक्ट बनाता हूं जो थोड़ा सा स्लो सोचते हैं। ये बना, फिर इसमें टाइटोमेरिज्म होगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के आएगा, नाइट्रोजन यहां से H ले लेगा और ये बन जाएगा नेक्स्ट मिथाइल, चला जाएगा नाइट्रोजन पे मिथाइल, सॉरी मिथाइल कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और N H PH। अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप वाटर से, इसी स्टेप से, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और वाटर का H यहां और OH यहां जुड़ेगा, तो बन जाएगा एसिटिक एसिड प्लस फिनाइलएमाइन, अर्थात ये एसिटिक एसिड और ये फिनाइलएमाइन बनेंगे इससे। बस अब वही वाला तरीका यहां पे आप लगा लो, इसमें अगर आपने, इसमें देखो नाइट्रोजन पर कौन शिफ्ट होगा, CH3, जो नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा वो एमाइन में कन्वर्ट होगा, तो अगर 2-3 स्टेप के द्वारा इसमें बनाएंगे तो इसमें नाइट्रोजन पर शिफ्ट होने वाला है ये, तो ये बन जाएगा मिथाइल एमाइन प्लस और बन जाएगा बेंजोइक एसिड, तो ये बनेगा। अब इसमें देखो बना मिथाइल एमाइन और बेंजोइक एसिड, तो ये मिथाइल एमाइन और बेंजोइक एसिड ये बन गया, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ आपका ये बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएजमेंट क्या होता है, समाप्त होता है। और प्लस बेकमैन रिएजमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने पूछ लिया। अब ध्यान देना, अगर कभी आपके सामने ऑक्साइम ऐसे बना के दिया हो जिसमें साफ साफ दिख रहा हो कि पीएच और ओएच एंटी हैं या मिथाइल और ओएच एंटी है, ये साफ साफ दिख रहा है, तब तो इसमें प्रोडक्ट एक ही एमाइड बनेगा, एक ही एमाइड बनेगा और वो एमाइड एक ही एमाइन और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। परंतु ये फिक्स ना हो, ये कुछ ऐसा लिखा हो, एक बार और मैं आपको बता दूं, ये कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे लिखा हो PH C मिथाइल डबल बॉन्ड N OH, ये ऐसा लिखा हो PH मिथाइल C डबल बॉन्ड N OH, अब ये फिक्स नहीं है, ये ऐसा लिखा हो PH मिथाइल C डबल बॉन्ड N OH,
तो अब इसमें ये फिक्स नहीं है कि OH का डायरेक्शन, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, OH की एंटी पीएच भी हो सकता है और OH की एंटी मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं और एपिसोड 2 आपका अगर छूटा है तो एक बार आप उसे देख लें। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।